हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल काई सरगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में। टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी के बारे में, शरीर के आंतरिक अंगों के बारे में। देर आर वेरियस ऑर्गन इन साइड द बॉडी विच कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन। हमारे शरीर के अंदर बहुत प्रकार के अंग पाए जाते हैं जो अपना अलग अलग कार्य करते हैं। देज ऑर्गन जॉइंटली फॉर्म डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, और ये सभी देज ऑर्गन जॉइंटली फॉर्म डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, और ये सारे अंग मिलकर एक अंग तंत्र बनाते हैं। लेट अस नो अबाउट द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। चलो हम पढ़ते हैं अलग अलग ऑर्गन अंगों के बारे में। सबसे पहले स्केलेटन सिस्टम, जो होता है कंकाल तंत्र। ये हड्डियों से बने हुए ढांचे को कंकाल तंत्र कहते हैं। हड्डियों के बारे में, हड्डियों के बना ढांचा होता है जिसको उसको बोलते हैं कंकाल तंत्र। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 26 बोन्स। जो मनुष्य की बॉडी है, हमारा से 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है। बोन्स होती है हड्डियाँ, मेड़वा ने बना होता है ह्यूमन बॉडी, मनुष्य का शरीर। तो कितनी हड्डियाँ होती है? 206। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी आती है? 206। देज बोन्स फॉर्म फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी नोन एज स्केलेटन सिस्टम। ये सारी हड्डियाँ मिलके एक फ्रेमवर्क, ढांचा तैयार करती है शरीर का। ढांचा होता है शरीर का ढांचा, इसके ऊपर आता है फिर चमड़ी, मांस, मांसपेशी इसके ऊपर चढ़ी होती है। सबसे पहला ये ढांचा होता है बॉडी का, फ्रेमवर्क, ढांचा, शरीर का ढांचा तैयार करती है, जिसको हम स्केलेटन बोलते हैं, कंकाल। उसके बाद आता है मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशिया, इसको बोलते हैं मांसपेशिया तंत्र। इट कंसिस्ट ऑफ मसल्स अटैच टू द बोन्स। इसके ऊपर मांसपेशिया चढ़ी होती है हड्डियों के ऊपर, और हड्डियों से जुड़ी भी होती है। सबसे पहले आती है हड्डियां नीचे, और उसके ऊपर होती है मांसपेशिया। ये मांसपेशिया होती है, ये जो भाग है इस तरह का, जो भी शरीर का जो सॉफ्ट पार्ट होता है वो मांसपेशिया होती है। इट कंसिस्ट ऑफ मसल्स अटैच टू द बोन। अटैच माने जुड़ा हुआ, किससे जुड़ी होती है मांसपेशियाँ? मसल्स, मांसपेशियाँ बोन्स, हड्डियों से। अलॉन्ग विद बोन्स द मसल्स हेल्प टू बॉडी टू मूव। मांसपेशियाँ हमें हिलने डुलने में सहायता करती है। हम हाथ हिला सकते हैं, पैर हिला सकते हैं, ये मांसपेशियाँ इस प्रकार से जुड़ी होती है कि हमें हिलने डुलने में सहायता करती है। उसके बाद आए डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का एक काम होता है खाने को पचाना, जो ही हम खाते हैं उसको पचाने का काम करता है पाचन तंत्र। द ऑर्गन ऑफ दिस सिस्टम हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। इस सिस्टम के जो अंग हैं वो खाने को, खाने का पाचन करते हैं, ये होता है पाचन तंत्र में। काफ़ी अंग पाए जाते हैं। सबसे पहले तो खाना मुंह से खाते हैं, मुंह आता है, मुंह में क्या होते हैं? दांत आते हैं। दांत के बाद वो खाना चबाया जाता है और फिर यहाँ पे आ जाता है इस नार, जो पाइप से दिख रही है इसको बोलते हैं फूड पाइप, आहार नली। आहार नली के बाद खाना इसमें आता है स्टोमच में, यहाँ पे खाने को पचाया जाता है। उसके बाद खाना जाता है छोटी आंत में, पहले स्टोमच में खाना पचता है, फिर थोड़ा बहुत जो बचा खुचा रह जाता है वो आ जाता है छोटी आंत में, खाना पचता है। फिर छोटी आंत से, छोटी आंत जुड़ी होती है बड़ी आंत से, बड़ी आंत से खाना जाता है। बड़ी आंत में खाने का कोई पाचन नहीं होता। ये आहार काफ़ी चीज़ों से मिलकर बनता है पाचन तंत्र। तो ये क्या काम करता है? खाने को पचाने का कार्य करता है ये सारे अंग। दिस सिस्टम आल्सो हेल्प इन अब्जॉर्प्शन डाइजेशन फूड, और ये खाने को अब्सॉर्प्शन भी करते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं उसका ये अब्सॉर्प्शन करते हैं, उससे पोषक तत्व लेते हैं जिससे हमारा शरीर काम करता है। आगे है सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको बोलते हैं परिसंचरण तंत्र हिंदी में। इसमें कौन कौन से आए? इसमें आता है एक तो हार्ट, दिल, हृदय बोलते हैं जिसको, ब्लड, खून, रक्त, ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल खून की पाइप बोलते हैं जिसको, फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये तीनों चीज़ मिलकर क्या बनाती है? सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण करती है। हार्ट पंप द ब्लड विच कैरीड बाय द ब्लड वेसल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। जो हार्ट होता है, हृदय होता है, वो एक पंप की तरह काम करता है। वो जैसे
हमारी मोटर कितना काम करता है। जैसे मोटर क्या करती है, मोटर लगी होती है तो एक तरफ से पानी खींचती है और दूसरी तरफ से पानी ऊपर भेजती है टंकी में, तो ये काम हर्ट करता है। एक तरफ से तो खून लेता है और दूसरी तरफ से खून छोड़ता रहता है, एक तरफ से खून लेता है दूसरी तरफ से खून छोड़ देता है, ये काम हर्ट करता है, मतलब पंप की तरह कार्य करता है। वो क्या करता है, सारे शरीर से खून लेता है एंड ब्लड सप्लाईज ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट टू द अदर पार्ट। सारे शरीर से खून लेता रहता है और छोड़ता रहता है, खून लेता रहता है और छोड़ता रहता है। हार्ट का काम होता है जो खून आता है उसको शुद्ध करना, साफ करना। पहले खून आता है वो अशुद्ध खून आता है, सारा अशुद्ध खून लेता है, छोड़ता रहता है, आता रहता है, छोड़ता रहता है, ये काम चलता रहता है। ठीक है, ये कुछ वर्ड मीनिंग है, ये लिख लो पहले आप। ये है, पहला है मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशीय तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र जिससे सांस लेते हैं ये कल पढ़ेंगे, एक्सक्रेटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र, न्यूट्रिएंट होता है पोषक, विंड पाइप होता है श्वास नली, यूरिन होता है मूत्र, बैलेंस डाइट ये टी है लास्ट में, बैलेंस डाइट संतुलित आहार, ये बर्ड मीनिंग लिख लेना। और क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, इनके बारे में कल आ जाएगा, लिख लेना आप आज ही। एक तो क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहला है लंग्स, इसी प्रकार लिखना है आपको लाइन में, पहले पहली लाइन में ये, दूसरी में ये, तीसरी में ये। फिर आता है लंग्स, फेफड़े, विंड पाइप, श्वास नली, नोस्ट्रिल होता है नाक, नाक के दो दो छेद होते हैं उसको बोलते हैं। और ये चौथा क्वेश्चन कर लिया। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये यहाँ से लिखे आपको अब, तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये पांच, ये चौथा क्वेश्चन है, पांचवा, उसका क्या कार्य होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन तंत्र का क्या कार्य होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जो कार्य डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, खाने को पचाने में, पाचन में और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड और खाने का अवशोषण करता है, इसको बोलते हैं अवशोषण। अवशोषण का मतलब यहाँ पे है जी, वो खाने से न्यूट्रिएंट ले लेता है, पोषक तत्व ले लेता है। इतने आपको, ये कुछ वर्ड मीनिंग है, ये दो क्वेश्चन है, कल ये कंप्लीट हो जाएगा और कल फिर मैं बुक करवा दूंगा सारा, ये ऑप्शन वाले और फिल इन द ब्लैंक। थैंक यू फॉर टुडे।